बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तुबाज़ुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में प्लांट टिश्यूज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ एनिमल टिश्यूज़ और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज़। जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उसमें हम लोगों उस प्लांट टिश्यूज़ को हम दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ करते हैं। वो कैटेगरीज़ कौन सी हैं? एक हमारे पास आ जाते हैं सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे आ जाते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं और उसमें हमारे पास आ जाते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ क्या हैं और इनकी फंक्शंस और इनके अंदर जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। टिश्यूज़ दैट आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स दे आर कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ और इसके बाद दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये खुद ब खुद डिवाइड कर सकते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, इनके अंदर या तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा या स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होगा या फिर वैक्यूल ही प्रेजेंट नहीं होगा। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम, मतलब जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं, लेट सपोज दिस, अगर हम इसको जोड़ें आपस में कनेक्ट करें सेल्स को, तो ये जो स्पेस आपको दरमियान में नज़र आ रही है दो सेल्स के लेयर्स के दरमियान में, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसेस या इंटर सेलुलर स्पेसेस। लेकिन जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर ऐसी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती। टू टाइप्स आ जाती हैं आगे से हमारे पास मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ की, रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स। एक है एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ और एक है लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। इनकी ये जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस हैं कि ये किस कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो इसकी जो प्रेजेंस है ये लोकेट करते हैं और एट द टिप्स, रूट्स और शूट्स की जो टिप्स होती हैं, एपिसेस होती हैं, वहाँ पे जो है हमारे पास एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये डिवाइड करते हैं, इनकी डिवीजन की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट है तो इनकी डिवीजन से जो लेंथ है प्लांट की वो इंक्रीज़ होती है और सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि जो लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, वो वर्टिकल लेंथ इंक्रीज करेंगे और ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे रूट्स और शूट्स में, और इनकी जो डिवीजन है उससे जो है प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो उनकी ग्रोथ में जो है वो इंक्रीज आएगा और वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेंगे। और इसमें जो है हमारे पास दो टाइप्स की वो आ जाती हैं ग्रोथ कैम्बियम्स आ जाती हैं। एक तो ये वैस्कुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होंगे, दूसरा कॉर्क कैम्बियम में। वैस्कुलर कैम्बियम में हमारे पास आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की लेंथ इंक्रीज होगी, तो लेट सपोज के हमारे पास एक स्टेम है और अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करें तो हमारे पास दरमियान में, आप लोग बुक पे देख सकेंगे इसकी डायग्राम प्रॉपर्ली विद कलर्स, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैस्कुलर कैम्बियम होगी और वैस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उसके बाद हमारे पास कॉर्क कैम्बियम आ जाती है, आउटर साइड पे प्रेजेंट होगी है और इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। जिस तरह अब ये इस तरह वर्टिकली लेटरली ग्रोथ होगी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लेटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और अगर लेंथ इंक्रीज होगी वो एपिकल मेरिस्टेम होगा और उसको हम बोलेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये प्राइमरी ग्रोथ है। ये तो हमारे पास थे सिंपल टिश्यूज़। अब हमारे पास इसी में आ जाते हैं, सिंपल टिश्यूज़ में हम लोगों ने पढ़े थे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ और हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़। जो है हमारे पास मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप जो आती है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं एंड कवर बॉडी पार्ट्स, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट। जहाँ भी ये प्रेजेंट होंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट्स से, तो डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन रूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अगर रूट्स में प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन करेंगे। और ऑन स्टेम एंड लीव्स, और अगर ये स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट है तो ये क्यूटिन वो करेंगे सिक्रीट। क्यूटिन क्या है, क्यूटिकल है, और इससे क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगी। किसकी वजह से हो रहा है ये सारा कुछ, परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से। उसके बाद हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ आल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स और स्टोमेटा जो हैं, हम लोग अगर या आप लोग देखें उसका स्ट्रक्चर बुक में, तो वहाँ पर रूट हेयर्स और स्टोमेटा जो हैं वहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल लेयर होती है जो एपिडर्मल टिश्यूज़ से मिलकर बनती है। फिर हमारे पास इसी की एग्जाम्पल आ जाती है ग्राउंड टिश्यूज़।
ग्राउंड टिश्यूज़ क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं इसकी दो फर्दर, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे पास, ये कॉर्टेक्स में होंगे, यानी कि एपिडर्मिस से नीचे जो है हमारे पास क्या होंगे, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़। ये यंग स्टेम्स एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर जो उनकी बीच में आप लीफ देखें तो एक रिब जा रही होती है, वहाँ पे कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, पेटल्स में प्रेजेंट होंगे। दे आर मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल विद अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स। इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो बिल्कुल एक अनइवनली का मतलब है कि एक होता है कि वो थ्रू आउट द सेम साइज जो है वो सेम रहे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अनइवन थिकनेस होती है इसके अंदर। ये दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट ऑर्गन्स इन विच दे फॉर्म। और जहाँ जहाँ कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या याद रखना है, आप लोगों ने हर टिश्यूज़ का फंक्शन, उसकी लोकेशन और उसकी शेप और साइज जो है इसको जो है याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। इनकी जो इसमें जो सेल वॉल होगी, सेकेंडरी सेल वॉल, वो रिजिड होगी, सख्त होगी। सेल वॉल्स आर हार्डन विद, क्यों होगी ये थिक और हार्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये मेनली मेन केमिकल है जो कंपोनेंट है, ये प्रेजेंट होता है वुड में। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा जो हैं कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड, क्योंकि जो स्टेम है वो जैसे जैसे वुडी होती जाती है वैसे वैसे वो उसकी जो बार्क है ट्री की वो डेड होती जाती है। तो इसीलिए मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, डेड। अब सिंपल टिश्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, इनको हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम में देखते हैं, और ये कौन कौन सी हैं, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। जो जाइलम टिश्यूज़ हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर, जो भी वाटर जो है रूट्स, रूट हेयर ने वाटर, रूट्स हेयर से वाटर एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से, और उसके बाद वो ट्रैवल करेगा थ्रू ट्रेकियार्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। इसके अंदर प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट में, जो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगर हम फ्लोएम टिश्यूज़ की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फूड, फूड जो है वो जो लीव्स में बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आने का जो काम है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के सेल आ जाते हैं, एक हमारे पास होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल्स। यहाँ हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो एंड होते हैं, और हमारा फोर्थ चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास का वो भी एंड होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी पूरे चैप्टर में कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।